बात करते अयोध्या की, जहां तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस दास ने संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठते ही अधिकारियों में फिर हड़कंप मच गया है और काफी मशक्कत के बाद परमहंस दास ने अपना अनशन समाप्त किया है और प्रशासन ने जूस पिलाकर उनके अनशन को समाप्त करा दिया है। लेकिन अभी वह सिमरनजीत सिंह के खिलाफ कार्यवाही किए जाने तक संघर्ष करने की घोषणा की है। तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस दास ने कहा कि संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा, जिससे वे आहत हुए हैं और पूरा देश भी आहत है। आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार और प्रशासन से मेरा आग्रह है, इस पर कार्यवाही में कोई देरी ना की जाए और चेतावनी भी दी है कि यदि कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो वहीं CEO अयोध्या राजेश तिवारी ने कहा कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बयान के खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हुए अनशन शुरू किया था और मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की थी। इस संबंध में तहरीर ले ली गई थी। तहरीर लिखे जाने के लिए परमहंस दास ने अन्न जल का त्याग किया था। उनसे निवेदन किया गया अनशन को समाप्त करने, संवैधानिक तरीके से लड़ाई जारी रखें। निवेदन पर महाराज मान गए हैं, उनको जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया है। Viral 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से संगरूर के शिरोमणि अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने सर्वोच्च राष्ट्रभक्त अमर बलिदानी श्री भगत सिंह को जो आतंकवादी कहा है, उससे मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत है। उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए हमने तहरीर दिया था। जिन लोगों ने प्राणों को निछावर कर दिया, अगर आज के समय में उनको आतंकवादी कोई कहेगा तो चाहे सांसद हो चाहे कोई भी हो, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि इस पर जो है कार्रवाई में देरी न किया जाए। तो पूरा देश आहत है और अगर आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को अगर कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई में देरी न किया जाए। हमने अन्न जल का परित्याग कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अयोध्या में तमाम लोगों का आना जाना है और यहाँ भीड़ बढ़ने से जो है आवागमन जो है प्रतिबंधित हो जाएगा, तो इसलिए अनशन तो हमने तोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो विधिक लड़ाई है वो जारी रहेगी और इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता है। मेरा एक निवेदन भी है, चेतावनी भी है कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहुत कर दिया है, उनका सम्मान करिए। और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अधिकार नहीं है अपमान करने का। अगर कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये चाहे आप हमारा निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें। और सरकार से भी निवेदन है, कैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करिए, वरना माहौल खराब हो जाएगा और हम लोग कानून को हाथ में ले लेंगे। क्योंकि हम लोग जो है अमर बलिदानियों का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे हम लोग खुद फांसी पर चढ़ जाएं, चाहे जितना हम लोगों के ऊपर FIR हो जाए, चाहे जो भी हम लोगों के ऊपर धाराएं लग जाएं। लेकिन अगर देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया है, उनको अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे दुख है कि नवनीत राणा ने तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था, उनके ऊपर जो है देशद्रोह लग गया था, जेल भी गई थी और तमाम जगह FIR हुई। आखिर क्या बात है कि सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया और मैं कल से प्रयास कर रहा हूं, अभी तक जो है FIR पंजीकृत क्यों नहीं हुई। जब नुपुर शर्मा को लेकर देश के कोने कोने में FIR हो गई, नवनीत राणा को लेकर तमाम जगह FIR हो गई। थे उसके उपलक्ष्य में आवरण अनशन FIR की मांग की थी, तो कल महाराज जी से हम लोगों ने FIR कापी ज्ञापन ले लिया है और महाराज जी जो अन्न जल का त्याग कर दिए थे, आवरण अनशन किए थे, तो महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि आप अन्न जल का त्याग न करें और जो आपकी सांवधानिक लड़ाई है उसको सांवधानिक तरीके से जारी रखें। तो महाराज जी ने हम लोगों के विनम्र निवेदन को स्वीकार किया है और हमला ग्रहण करने का वचन लिया था, उसको मैं जूस पिला के मैं हमारे भी तोड़ा गया। क्या FIR दर्ज, जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग वो आगे। नूपुर शर्मा ने दिल नहीं तो क्या नहीं, मैं आपके पैरेंट्स के लिए बात नहीं भैया,